में जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को धमकी दी गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को फोन से धमकी दी गई है और इस फोन से दी गई धमकी में जान से मारने की बात कही गई है। फोन करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान से यह धमकी भरा फोन आया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पाकिस्तान से धमकी भरा फोन रविंद्र रैना को। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि रविंद्र रैना को आज फिर एक बार धमकी भरा फोन आया है और ये नंबर जो है वो एक इंटरनेट कॉल था, जो उसका आईपी है उससे वो पता चलता है कि ये पाकिस्तान से था। रविंद्र रैना ने कहा कि जब हमारी उनसे बात, उन्होंने बताया कि जो फोन करने वाला जो था आतंकी था, उसने धमकी दी कि वो उसका भी रविंद्र रैना का भी वही हाल करेगा जो कश्मीर में औरंगजेब और बाकी उनके साथियों का हुआ, चाहे वो कश्मीर में जो लोग मारे गए हैं डीएसपी जो है उनकी लिंचिंग की गई थी, उसी तरह से रविंद्र रैना का भी हाल किया जाएगा। और उन्हें ये भी बोला उसने कि ये कराची से वो बात कर रहा है और उसने कहा कि तुम जो बयानबाजियां करते हो वो जो है उसमें सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरे तो उसका तुम्हारा भी हश्र वही होगा। साफ तौर से रविंद्र रैना से हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्हें कई बार इस तरह के धमकी भरे जो है वो फोन आ चुके हैं, मगर राज्यपाल शासन लगने के बाद इस फोन के आने की जो प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई है इसकी जानकारी उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को भी दे दी है और पुलिस को भी दे दी है और सुरक्षा को रिव्यू करने के लिए एक बार फिर से जो है वो कहा गया है। अब उधर कुछ दिन पहले ही जो कश्मीर में औरंगजेब को अगवा किया गया, उनकी हत्या की गई, उससे पहले शुजात बुखारी जो पत्रकार थे उनकी आतंकियों ने हत्या की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये फोन कॉल इनको भी आई है। तो इनका कहना है कि बिल्कुल सिक्योरिटी रिव्यू की जरूरत है, उसके लिए हमने कहा है, मगर हम इन धमकियों से डरेंगे नहीं और अपना जो मिशन है उसको आगे लेकर जाए। चलिए अजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है और दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को पाकिस्तान से एक धमकी भरा फोन आया, जान से मारने की धमकी दी गई है।